वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी बच्चों को ब्लड कैंसर हो जाता है जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। काफ़ी बच्चों के माता पिता को यह पता नहीं होता है कि बच्चों में ब्लड कैंसर हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग अपने बच्चों की वक्त पर सही जांचों को कराकर सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के बढ़ जाने के कारण उन बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में ब्लड कैंसर हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसे समझकर आप अपने बच्चों की वक्त पर सही जांचों को कराकर सही इलाज कराकर अपने बच्चों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। खून की कमी का बना रहना, बार बार लंबे समय तक इन्फेक्शन का होना, बुखार का आना, शरीर में काफ़ी कमजोरी और थकान का महसूस होना, चक्कर का आना, सिर में दर्द का होना, सांस लेने में परेशानी होना, अचानक से चोट का लग जाना, ज़्यादा नाक से या मसूड़ों से खून का आना, बिना किसी कारण के वजन का कम हो जाना, भूख का कम हो जाना, हड्डी या जोड़ों में दर्द का होना, चेहरे पर, हाथों पर, पेट पर और पैरों में सूजन का आ जाना, उल्टी का आना, पेट में दर्द का होना, त्वचा का पीला हो जाना, दौरे पड़ना, शरीर पर गांठ या सूजन का हो जाना और उस गांठ को दबाने पर गांठ में दर्द का ना होना और गांठ को दबाने पर गांठ का ठोस और जकड़ा हुआ सा महसूस होना। तो भाइयों, बच्चों में ब्लड कैंसर हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपके बच्चे को ये लक्षण हैं तो मैं आपको एक खून की जांच बताने जा रहा हूँ। इस ब्लड टेस्ट का नाम है CBC। भाइयों, इस जांच की रिपोर्ट में अगर हीमोग्लोबिन खून 10 या 10 से कम आता है और WBC का काउंट 30,000 या 30,000 से ज़्यादा आता है और प्लेटलेट 1,50,000 से कम आती हैं, तो भाइयों, आपके बच्चे को ब्लड कैंसर हो सकता है। आप उस बच्चे को सही डॉक्टर के पास ले जाएं और कुछ और जांचें कराकर बीमारी का पता करके उसका सही डॉक्टर से ही इलाज कराएं। उल्टा सीधा इलाज बिल्कुल भी ना करें। भाई, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।